हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीकली क्यू एन ए सेशन। में जो आपकी क्वेश्चन है उसका मैं आंसर यहाँ पे दूंगा। कुछ क्वेश्चन जो आपके लोगों के इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप लोग अगर रेगुलर इसके विषय में अपडेट चाह रहे हैं तो आप अपने क्वेश्चन पुट अप करते रहें, उसके विषय में हम वीकली बेस में आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपका एक अभी रिसेंट क्वेश्चन था कि जो टैक्स है वो 30% जैसे FNO में होने वाला, कमोडिटी में भी आएगा क्या? फ्रेंड्स, अभी ये गवर्नमेंट के उसमें है। अभी मैं इसके ऊपर एक आने वाले टाइम में एक वीडियो कवर करूँगा। FNO में भी आप होता है, शॉर्ट टर्म के कैपिटल गेन अलग टैक्स होता है, लॉन्ग टर्म अलग होता है, तो इन्वेस्टिंग के लिए अलग होता है, ट्रेडिंग के लिए अलग होता है। उस तरह से मैं उसके ऊपर आपके साथ एक वीडियो के साथ कवर करूंगा। साथ में आपके लिए जो इंपॉर्टेंस फैक्टर है उसको भी समय हम देखते हैं। तो सबसे पहले नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंट लेवल है, ये जो दोनों कैंडल बनी हुई है ये काफ़ी निगेटिव कैंडल इसको मानते हैं, क्योंकि गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद में ओवरऑल इंगल्फ भी कर लेता है। तो फाइनली जो 90,000 के नीचे हमारा प्रेडिक्शन चल रहा था कि इंपॉर्टेंट बड़ी गिरावट आ सकती है, तो उससे भी ज़्यादा गिरावट आई, लगभग 2400-2500 के आसपास गिरावट रही है और वोलेटिलिटी तो ज़बरदस्त रही है। अब इन सभी के बीच में एक ऐसा अपडेट है आपको जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वीडियो, उसके साथ में शेयर करूँगा वीकली एनालिसिस में। यहाँ से मैंने आपके लिए जो आपके क्वेश्चन से कमेंट से वहाँ से मैंने आपके सारे क्वेश्चन को पिक किया है, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका है न्यूज़ कलेक्शन कहाँ से करते हैं। फ्रेंड्स, न्यूज़ कलेक्शन कहाँ से करते हैं और कैसे करते हैं, कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? न्यूज़ कलेक्शन करने के लिए जो मैं स्पेशली फॉलो करता हूँ, जो इंडियन मार्केट को अगर आपको ट्रेड करना है, इक्विटी ट्रेड करना है, तो आप इंडियन मार्केट को फॉलो कर सकते हैं। इंडियन पॉलिसीज उस पर इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन हम ग्लोबल कमोडिटी को ट्रेड करते हैं, गोल्ड और सिल्वर को। तो गोल्ड और सिल्वर को ट्रेड करने ग्लोबल मार्केट के विषय हमें पता होना चाहिए, और उसमें से मेजर ग्लोबल इम्पैक्ट जो रहता है वो रहता है यूएस का। तो आपको यूएस इकोनॉमी का सिंपल गूगल पर ट्रेड करेंगे, टाइप करेंगे, और उसको आपको वहाँ पे यूएस की इकोनॉमी का पूरा कैलेंडर निकल के आ जाता है। यूनाइटेड स्टेट कैलेंडर, इकोनॉमिक कैलेंडर टाइप करेंगे, या फिर ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स .com करेंगे, तो वहाँ आपको दोनों जगह पे मिल जाएगा। प्लस आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं इसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा। और आपको ये रहा यूएस का कैलेंडर। अगर आपको पूरे वर्ल्ड का कैलेंडर यहाँ से देखना है, जैसे मेजर इवेंट्स क्या होने वाले, चाहे इंडिया हो या पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज, यहाँ से सारी कंट्रीज़ को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर किस कंट्री में क्या अपडेट रहने वाली है, तो वो आपको यहाँ से कंडीशन मिल जाती है। और यहाँ से आप वन बाय वन करके डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। जो ये रेड कलर से मार्किंग रहती है, इसका मतलब वो इम्पोर्टेंस रहता है पर्टिकुलर उस कंट्री के लिए, तो ये कंडीशन यहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। सिंपल एक व्यूअर का कमेंट था, उन्होंने अभी 10% लॉस किया है क्योंकि वॉल्यूम डॉलर इंडेक्स और उसके विषय में उनको क्लियर नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने एक भी किया 15 दिनों में 10% लॉस किया है, इसका मतलब आपने कुछ लर्न किया है, इसको आप पॉजिटिव लें। दूसरे, एक लॉट से ज़्यादा का ट्राई ना करें, और साथ में डायरेक्शन क्या रहता है उसको आप ट्रेड करने की कोशिश करें। वॉल्यूम जनरली जो इसमें रहता है, अगर आप वॉल्यूम की बात कर लेते हैं डेली में, ऐसा नहीं कि मिलियंस में वॉल्यूम रहता है, यहाँ पे लाखों में वॉल्यूम रहता है। जैसे आप देख रहे हैं 1,17,000 का वॉल्यूम है, इस तरह से इसमें वॉल्यूम मतलब 1,17,000 क्वांटिटी इसमें बाइंग सेलिंग हुई है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखते हैं तो वॉल्यूम इतना ज़बरदस्त एज कम्पेयर टू FNO एंड इक्विटी स्टॉक्स के विषय में यहाँ पे इतना नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग लोग कम करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आप एक लॉट दो लॉट से करिए, प्राइस पैटर्न को समझने की कोशिश करिए, थोड़ा टाइम दीजिए, पेपर ट्रेडिंग करिए, या फिर डिफरेंट टाइप के फ्री ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है जहाँ पे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको सिमिलर चार्ट पैटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप लर्निंग पे फोकस करिए, आपको धीरे धीरे करके ग्रोइंग हो जाएगा। कभी भी एक जो प्रेडिक्शन होता है, कंडीशन होती है, वो एक डायरेक्शन में नहीं हो सकती है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। आप टाइम देंगे तभी उसमें आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज के साथ में आपका लॉस भी कम होगा। लॉस सभी का होता है, अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ है, एंड ऑफ द क्वार्टर आपको देखना होता है कि आपने क्या गेन किया, क्या लॉस किया। साथ में आपका ये भी कमेंट था कि जब यहाँ पे वॉल्यूम कम रहे तो आपको नेचुरल गैस या फिर अदर कमोडिटी के विषय में देखना चाहिए। फ्रेंड, नेचुरल गैस के विषय में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं आपको टेक्निकल व्यू अपना शेयर कर सकता हूँ, बट मैं जिस पे ट्रेड नहीं करता उसके विषय में मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ वीडियो ना पुश किया तो बेटर रहेगा। फिर भी आप लोगों का कमेंट है, तो आप अगर नेचुरल गैस के ऊपर अपडेट चाह रहे हैं तो वीकली व्यू मैं अपना शेयर कर सकता हूँ।
साथ में जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग है जो कि इंडियन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको फर्टिलाइजर्स के ऊपर एक वीडियो पोस्ट किया था कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, उसके अगर कुछ इंपैक्ट पड़ता है तो उसमें आपको अपडेट देखने को मिल सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट का ये भी फोकस है लोग की ईज ऑफ बिजनेस पे भी जैसे काम कर रहे हैं, ईज ऑफ लिविंग पे भी फोकस करने के लिए, क्योंकि महंगाई और सब में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। साथ में एक कमेंट था आपका कि मार्जिन की प्रॉब्लम हो जाती है, एक हफ्ता पहले ही आपको जो आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ से अलर्ट आने लगता है कि आपको आपका स्क्वायर ऑफ करना चाहिए। तो उसके अगर आपको बचना है तो आपको मार्जिन रखनी पड़ेगी। जैसे आपको अभी 10 से 15,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप मार्जिन आपके अकाउंट में लगभग 40,000 रुपये पड़े हुए हैं तो आपका वो अलर्ट लेवल अगर आप अपने ब्रोकर से डिस्कस कर लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है डिलीवरी में। तो कंडीशन आप देख सकते हैं, अदरवाइज एक वीक पहले ट्रेड कर, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो तो चेंज ओवर हो जाएगा 24 मंडे को, ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज होके एक वीक पहले 30 को एक्सपायरी है। एक्सपायरी का मतलब मंथ, क्वार्टरली या बोल दिया मंथली का एक्सपायरी 30 को लास्ट डे को रहती है, लेकिन एक वीक पहले ही चेंज ओवर हो जाता है। उसके ऊपर जो ट्रेड करते हैं उनको डिलीवरी लेनी पड़ती है और ज़्यादा पैसे पे करने पड़ सकते हैं। साथ में मिनी का लेवल से दिए फ्रेंड्स, मिनी का लेवल मैं ऑलरेडी आपको वीडियो के साथ में मॉर्निंग के वीडियो में पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं पहले मिनी का लेवल फिर माइक्रो का लेवल वहाँ पर देखते हैं। लेवल का मतलब वो अलर्ट लेवल है, उसको वहाँ पे आपको प्राइस पैटर्न देख के एंट्री एग्जिट का प्लान करना होता है। कोई ऐसा नहीं होता है मैं बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन कर रहा हूँ आप ऐसा करिए, ऐसा हो सकता है। साथ में डॉलर इंडेक्स और गोल्ड सिल्वर में क्या सिमिलरिटीज़ है, ये मैं आपको डेली वीडियो के साथ में शेयर करता हूँ। डॉलर इंडेक्स क्या है, एक इंडेक्स है जो 5 से 7 डॉलर अलग अलग, जैसे डॉलर यूरो है, डॉलर येन है, इन सब का एक समराइज इंडेक्स है। उसको अगर हम ट्रैक करते हैं तो डॉलर के व्यू को हम समझ सकते हैं। अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो अभी जो कंडीशन बन रही है, मतलब जो फेड के ऊपर सारे इम्पैक्ट है उसके कारण ऐसा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, तो इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इस वजह से आप इसको भी ट्रैक कर सकते हैं, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। प्लस डिटेल में आपको मैं डॉलर इंडेक्स और सिल्वर के विषय में एक कंपैरिजन वीडियो भी पोस्ट करूँगा। गोल्ड और डॉलर इंडेक्स का ऑलरेडी मैं पोस्ट करता हूँ। साथ में आप लोगों का कमेंट रेगुलर रहता है कि मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना है। फ्रेंड मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी मोबाइल नंबर या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं आपको लगातार टाइम दे सकूं। इस वजह से मैं आपको ले बोलता हूं कि आप मेल कर दीजिए या फिर फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप अवेलेबल हूं मैं, वहां से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेश कर दूंगा, वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आपको भी कुछ एफर्ट करना पड़े, साथ में मेल ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां से आप मेल करिए, आपको रिप्लाई मैं देता हूं रेगुलर बेसिस। साथ में जो आपके लिए राइट टाइम क्या है एंट्री और एग्जिट का, फ्रेंड्स राइट टाइम एज सच जो मेरा मानना है और जो बड़े एक्सपर्ट का मानना है, कोई राइट टाइम नहीं होता है, ना ही एंट्री का ना ही एग्जिट का। आपको कितना रिस्क लेना है और उसके बेस से आपका क्या व्यू बिल्डिंग है वो इम्पोर्टेंट राइट टाइम होता है डिस्कशन करने का। आप अपना पोजिशन बनाइए, अपना ट्रेड सेटअप बनाइए, तो उसके ऊपर आप देखने की कोशिश करिए। साथ में जैसे मेरी स्ट्रेटजी रहती है, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क करता हूँ रेगुलर, आपको इसी पे वीडियो रहता है। इसमें जब रेंज का फॉर्मेशन कर जाता है ये मुझे थोड़ा प्लस पॉइंट दे देता है, उसके बाद ट्रेंड लाइन फर्दर प्लस पॉइंट देता है। एक 5 PM सेटअप और 7 PM सेटअप है, 5 PM सेटअप 7 PM सेटअप, ये दोनों जो जॉब करते हैं उनके लिए, जॉबर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा रिजल्ट देता है, जैसा हम रेगुलर वैसे वीडियो में शेयर करते रहते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है, अगर आपको कमेंट्स आते हैं तो मैं इसके ऊपर फर्दर 5 PM और 7 PM को वीडियो कवर करने की कोशिश करूँगा। ये आपको महीने में लगभग 5 से 7 दिन ज़बरदस्त ट्रेड मिलता है, जो आपको 3 टाइम 4 टाइम हो जाता है रेंज के फॉर्मेशन का, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। साथ में ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर मैं आप काम कर रहा हूँ, आपको शायद बहुत जल्द ट्रेडिंग जर्नल की वीडियो मैं शेयर करूँगा, उससे आप लोगों को काफ़ी कुछ लर्निंग कंटेंट मिल जाएंगे। ओवरऑल कंडीशन फ्रेंड्स लर्निंग की है और टाइम की, डेडिकेशन के साथ में आपको टाइम भी देना पड़ेगा, मेन मोटो यही है, उस तभी आप यहाँ पे लर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।